हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर 8 ग्रेट बुक्स बॉर्न आउट ऑफ ग्रेट माइंड्स की वोकैबुलरी एक्सरसाइजेस ले रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. प्रोवाइड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द प्रिस्क्राइब्ड एसे. तो पार्ट एंटोनिम्स अगेन अपोजिट वर्ड विपरीत अर्थक शब्द लिखने हैं. ए डार्क, डार्क का मतलब अंधेरा, तो उसका अपोजिट क्या होगा? ब्राइट. पार्ट बी लव का अपोजिट होता है हेट. पार्ट सी सिन मतलब पाप और पाइसनेस मतलब सैक्रेट जो होते हैं रिलीजियस कह सकते हैं उसको. पार्ट डी गुड का बैड होता है. ई ड्यूटी, उसके हम कह सकते हैं रिलीफ. एक ड्यूटी का होता है बाउंड होते हैं आप किसी चीज़ को करने के लिए, तो रिलीफ इसका अपोजिट हो सकता है. दैट मीन्स यू आर नॉट, आपको जरूरत नहीं है वो चीज़ काम करने की, यू आर एक्सेम्प्टेड. पार्ट एफ रियल, रियल का अपोजिट होता है फेक. जी लॉस्ट, लॉस्ट का अपोजिट होता है फाउंड. फोर्स मतलब किस चीज़ पे जोर देना एंड ईज मतलब किस चीज़ को जोर नहीं देना होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ईज. डिफिकल्ट का ईजी. वर्क अपोजिट हो जाएगा रेस्ट. अप्रिशिएट मतलब किसी की प्रशंसा करना एंड क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना. क्वेश्चन नंबर 2. प्रोवाइड साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन इन द प्रिस्क्राइब्ड एसे. अब आपको क्या करना है, समानार्थक शब्द लिखने हैं सेम मीनिंग वाले. ए कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का सिमिलर मीनिंग हो जाएगा रेगुलर, मतलब किसी जो किसी में ब्रेक्स नहीं होते, जो टूटा हुआ नहीं होता, तो कॉन्टिन्यूस कहते हैं उसको. पार्ट बी बेटर, बेटर का हो जाएगा फाइनर. पार्ट सी ओरिजिनल, ओरिजिनल का होता है जेन्युइन. पार्ट डी स्पॉटिंग, स्पॉटिंग मतलब प्लेफुल, जो खेल कूद में पार्ट लेते रहते हैं, दोज आर प्लेफुल. पार्ट ई सडनली, सडनली का हो सकता है एट वंस या फिर हम क्विकली भी बोल सकते हैं इसमें. देन वी हैव एसम, इसका हो जाना चाहिए फियरसम या फिर फ्राइटनिंग, डराने वाला. पार्ट जी एडमिरेशन, इसका हो जाएगा प्रेज. पार्ट एच राइट, राइट का जो साइनोनिमस वर्ड है वो है करेक्ट. पार्ट आई इवॉल्व, इवॉल्व मतलब ग्रो करना, इमर्ज करना, तो ये इसके साइनोनिमस वर्ड्स हो जाएंगे. पार्ट जे इंटेलेक्चुअल, मतलब जो बहुत लर्न्ड होते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, वी कैन से स्कॉलरली. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड वन वर्ड इक्विवेलेंट्स ऑफ द फॉलोइंग. तो जो हमारे पास इतना वर्ड्स गिवन है, एक फ्रेज गिवन है, उसके लिए हमें वन वर्ड लिखना है इस क्वेश्चन में. पार्ट ए द क्वालिटी ऑफ बींग ऑनेस्ट एंड मॉरली अपराइट. सो द राइट वर्ड इज राइटियस. पार्ट बी एनी लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड बिलीफ और कस्टम, उसको हम कहते हैं रिचुअल, जो कोई प्रथा बहुत टाइम से चली आ रही है. पार्ट सी अ पीस ऑफ लैंड बॉर्डरिंग द सी, उसको हम कहते हैं सी शोर. पार्ट डी एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, दैट इज प्रोक्लेमेशन. ई द स्टेट ऑफ फॉरगेटिंग, तो मेमोरी लॉस होता जाता है, उसको हम कहते हैं एमनीसिया. पार्ट एफ वन हु कैन बी इजिली इरिटेटेड, वी कैन से पेटुलेंट. पार्ट जी गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, दैट इज एरिस्टोक्रेसी. पार्ट एच वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, उसको हम कहते हैं बायलिंगुअल. पार्ट आई अ लॉन्ग पोएम अबाउट द डीड्स ऑफ वन और मोर ग्रेट हीरोज, उसको हम कहते हैं एपिक. सो हियर आई फिनिश विद द वोकैबुलरी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.